हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। अवैध स्मैक बिक्री के 11,000 रुपए व इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला बाड़मेर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोत्रा व वृत्त अधिकारी बालोत्रा के निकट सुपरविजन में गठित टीम द्वारा बालोत्रा के जीरो रेलवे फाटक के पास एक महिला को 13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक व अवैध स्मैक बिक्री की राशि 11,000 रुपए व इलेक्ट्रॉनिक स्मैक तोला कांटा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। शुक्रवार की शाम गश्त के दौरान जीरो रेलवे फाटक बालोत्रा के पास संदिग्ध महिला पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़कर भागने लगी, जिस पर शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा उसे दस्ताब किया गया तो घबराते हुए कपड़ों में कुछ वस्तु छुपाने का प्रयास किया। इस पर शक होने पर मौके पर ही महिला की तलाशी लेकर उसे स्मैक बरामद किया गया। पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।